जब बात आती है परवीन बाबी की, तो उनकी कहानी अद्भुत और चौंकाने वाली है। एक समय था जब उनका करियर चमक रहा था, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। परवीन को पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी जिंदगी को पलट दिया। उनकी बीमारी ने उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ उनके विचारों और व्यवहार में बदलाव आ गया। उनकी अजीबोगरीब बातें और आरोपों ने उन्हें जगह जगह विवाद का केंद्र बना दिया था। तभी तो वो कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप किया और उनके गले में चिप लगा दी है, और कभी वो विदेशी नेताओं पर हमला करने का आरोप लगाती थी। अंततः उन्हें न्यूयॉर्क के एक पागलखाने में रख दिया गया था। बीमारी के चलते उन्हें अपने करियर को छोड़ना पड़ा और वे अकेलेपन में रहने लगी। फिर एक दिन 2005 में उनकी लाश उनके फ्लैट में मिली और इससे बॉलीवुड में सनसनी मच गई थी। 4 अप्रैल 1954, आज से ठीक 70 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बाबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बाबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद का इंतकाल हो गया। ऐसे में उनकी मां जमाल बख्ते बाबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बाबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1972 में मॉडलिंग से की, जहां से उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर कदम रखा। जी हां, उनका सफर बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक रहा। आज हम उनके बॉलीवुड जर्नी को याद करेंगे। एक्ट्रेस का दौर शुरू हुआ था फिल्म चरित्र से, जो कि एक फ्लॉप रही, लेकिन उनके लिए एक नई शुरुआत की बात थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई महान अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। लेकिन उनका सबसे धाकड़ काम मजबूर में था, जिसमें उन्होंने नीला का किरदार निभाया। उन्होंने अपने करियर के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में काम किया, जैसे कि काला पत्थर, नमक हलाल और सुहाग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें फिल्म सिलसिला के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया था। यह एक बड़ा ट्विस्ट रहा, जो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को हिला देने वाला साबित हुआ। दरअसल सिलसिला मूवी में रेखा को लेकर मेकर्स अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच के चर्चित विवाद को भुनाना चाहते थे। कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा से रहा अफेयर। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद 1977 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके परिवार के अच्छे संस्कारों ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उन्होंने इसे अच्छी तरह से समझा भी। परवीन बहुत ही बोल्ड और उत्साही थी, जो अपने आप में एक बड़ा उत्कृष्टता था। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्हें उनकी अलगाववादी और आत्मविश्वासी आदतों का पता था। उन्हें बचपन से ही मॉडलिंग में रुचि थी और उनका करियर तेजी से उड़ान भी भरा था। लेकिन उनकी बीमारी ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया।